हसीन नज़ारे करने हैं तो जेब ढीली करो। पीआईए ने विंडो सीट के लिए किराए बढ़ा दिए। कॉकपिट के करीब वाली सीट का किराया भी महंगा कर दिया गया। अमेरिका के लिए $15, बरतानिया के लिए 10 यूरो, अरब अमारात के लिए 15 दिरहम इजाफी लेने का शेड्यूल जारी। मज़ीद तफ़सीलात राना मोहम्मद अली से जान लेते हैं। राना अली आगाह कीजिए। से मुसाफरों पर सीट की एलोकेशन खासतौर पर बल्क सीट, विंडो सीट समेत कॉकपिट के पीछे वाली सीटों के जो इजाफी कराए थे उनका शेड्यूल जारी किया है। इसमें पीआईए बैनल क़वामी अंदरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफरों के इजाफी किराया भी वसूल कर रही है और इसके मुताबिक अमेरिका कनाडा के लिए $15, यूके के लिए £10 होंगे, यूरोप के लिए 10 यूरो, सऊदी अरब के लिए $15, यूए के लिए, मिडल ईस्ट के लिए 15 दिरहम, जबकि ओमान के लिए 1 ओमानी रियाल जिसकी पाकिस्तानी तकरीबन करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये 490 रुपये के करीब बनते। प्री एलोकेशन हेड सीट के लिए इकॉनमी में 5,000 रुपये, अमरीकी कैनेडा की तरफ से दो तरफा सीट के हजूर के लिए 10,000 रुपये, लंदन और यूरोप के लिए 3,000 रुपये होगा। इकॉनमी किराया प्लस होगा इसमें, जबकि इकॉनमी एग्जेक्टिव क्लास में यही जो किराया 7,000 से दो तरफा 14,000 रुपया बनेगा। इसी तरह अमेरिका कनाडा का ये किराया 14,000 वसूल किया जाएगा, जबकि इकॉनमी एग्जेक्टिव यूके 4,000 रुपये, यूरोप के लिए 4,000 रुपये, सऊदी अरब के लिए 3,000 रुपये, जबकि अंदरूने मुल्क के लिए 1,500 रुपये इजाफी चार्ज देने पड़ेंगे। ये वो सीटें हैं जो अगर कोई मुसाफिर सफर करना चाहता है, अगर उसे विंडो साइड पर सीट चाहिए या बल्क सीट चाहिए अपनी लग स्पेस के लिए आगे लंबी करके ताकि वो कंफर्टेबली सफर कर सके। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।